नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने धारा 174 के तहत की कार्रवाई। फिरोजपुर पुलिस ने दो शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 1530 पेटी शराब की बरामद। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा की पुलिस ने गश्त के दौरान तीन संदिग्ध नौजवानों को किया काबू, चाबियों का गुच्छा, प्लास और अन्य सामान किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही जीआरपी चौकी इंचार्ज, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फगवाड़ा के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। तो वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए जीआरपी चौकी इंचार्ज ने बताया कि उक्त व्यक्ति की पहचान कोमल बाबा निवासी प्रीतनगर फगवाड़ा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति अपने काम पर जा रहा था कि जैसे ही वह रेलवे लाइन पार करने लगा तो अचानक रेल की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सफाई के 10 मिनट से सानू डिप्टी एसएस रेलवे स्टेशन फगवाड़ा वालों एक मीमो इंसानी वर्ग के संबंधी चौकी मसूल हुई सी, जिससे असी मौके पर पहुंच गए। जी कार्रवाई अमल च लियांदी है, ये एक बंदा जिसकी शनाखत कोमल बाबा उर्फ हनी सन ऑफ श्री श्याम लाल शर्मा वासी गली नंबर 3 हाउस नंबर 122 प्रीतनगर फगवाड़ा वजो हुई है। ये जिहड़ा विशाल मेगा मार्ट च काम करता सी, काम ते जांदा पिया सी, अचानक ट्रेन आ गई और अपने आप थले आ गया। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਉਮਰ ਸੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ। 36 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ। फिरोजपुर की एसएसपी सोम्या मिश्रा की निगरानी में एसपी रणधीर कुमार, डीएसपी बलकार सिंह, डीएसपी अतुल सोनी, गुरु हर सहाय, इंस्पेक्टर उपकार सिंह द्वारा बनाई टीम की ओर से बुरे तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत नाकाबंदी कर 1530 पेटी शराब समेत दो लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं एसएसपी सोम्या मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बुरे तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान बलजीत सिंह और लखविंदर सिंह, दोनों निवासी नारंग कॉलोनी मुक्सर के तौर पर हुई है, जो कि दो कैंटरों में 1530 पेटी शराब लेकर जा रहे थे व जिन्हें गुप्त सूचना के आधार पर टीम द्वारा गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। एक दो अप्रैल की दरमियानी रात के दौरान सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी, जिस पे काम करते हुए साड़ी गुरु हर सहाय की पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है, इन्होंने काफ़ी चंगी रिकवरी की है। सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि कुछ बंदे गैर कानूनी तरीके से शराब ट्रांसपोर्ट कर रहे ने। ये खबर सुनते ही साडे जिहड़े एसपी इन्वेस्टिगेशन हैगे रणधीर, उन्हां दे नाल डिप्टी एसपी गुरु हर सहाय अतुल सोनी जी, साथ ही एसपी हैडक्वार्टर जुगराज जी अते जिहड़े साडे डिप्टी एसपी डी बलकार जी है, इन्हां दी टीमें बनाई गई। साडी टीम नूं काफ़ी अच्छी इसमें सफलता मिली। उस दौरान टोटल हुण तक दो दोषी गिरफ्तार, इन्होंने दो कैंटर पकड़े, उहदे विच दोषी गिरफ्तार किए, ते टोटल 900 बॉक्सिस शराब की रिकवरी हुई है। ये विचकार 630 बॉक्स शराब मार्का अंग्रेजी अते 900 बॉक्स शराब जिहड़ी बियर है वह रिकवर की गई। लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। तो वहीं अमृतसर के थाना मोहकमपुरा की पुलिस ने रात को गश्त के दौरान तीन संदिग्ध नौजवानों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी एएसआई कुलवंत सिंह ने बताया कि उन्होंने रात के समय गश्त के दौरान तीन नौजवानों को काबू किया है, क्योंकि ये संदिग्ध हालातों में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके पास से चाबियों का गुच्छा,
प्लास व अन्य सामान भी बरामद हुआ है, जिससे लगता है कि ये चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली थी, जिसके चलते इन्हें मौके पर काबू कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं जी एस आई कुलवंत सिंह थाना मुकमपुरा तैनात हाँ जी। कल मिति 2-3 की दरमियानी रात को मैं मेरे साथी कर्मचारी जो इलाका गश्त कर रहे थे तो तीन लड़के एक जगबीर सिंह, नवप्रीत ते गगनदीप, इन्हों जो शक्की तौर पर इन्हों इन काबू किया। इन्हों तलाशी करने इन्हों के जेडे एक प्लास है, एक को निकलिया, एक चाबिया तो ये वगैरह निकलिया, तो इन्हों 109 की कार्रवाई करके तो कोर्ट च पेश कर रहे हैं। पंजाब में आप पार्टी की ओर से गत दिवस 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार और आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कंग को मैदान में उतारा गया है। दोनों नेताओं की सूची जारी करने के बाद राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक नेताओं से मिलने जालंधर पहुंचे। दरअसल आप पार्टी की ओर से सुशील रिंकू को उम्मीदवार ऐलाने जाने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद जालंधर से आप पार्टी की उम्मीदवार का ऐलान करने की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल के जाने के बाद दर्जनों नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी संबंधी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक जालंधर में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से अहम मीटिंग करने पहुंचे। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल क्यों हो रहे हैं। गौरतलब रहे कि इससे पहले भी सांसद संदीप पाठक ने लुधियाना में आप कार्यकर्ताओं के साथ अहम मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल में से ही आदेश देंगे और वे उन्हें लागू करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है, भाजपा वाले केजरीवाल से डर गए हैं और अब एक एक कर भाजपा सभी को जेल में बंद कर रही है, पर वे जेल से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि देशवासी केजरीवाल को प्यार करते हैं। बिल्कुल, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, पर ये तो होना ही था। इन्होंने षड्यंत्र करके झूठ में जो केस बनाया है, अंत पंत में तो जीत सच्चाई की होती है। वाहेगुरु हमारे साथ है। बिल्कुल, अब ये हमारा बड़ा है, आपने आम आदमी के कार्यकर्ताओं में मीटिंग करी है, क्या क्या विषय रखे हैं? एक ही विषय है कि किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी अब दुगनी रफ्तार से चलेगी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक किसान पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर घायल करने के आरोप में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 30 मार्च 2024 को 30 वर्षीय किसान राजदीप सिंह साई 5 बजे के करीब राशन खरीदने के लिए मंडी गया था। उन्होंने बताया कि रात करीब 9 बजे उसके माता पिता को पता चला कि उसे गंभीर चोटें लगी हैं और उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि राजदीप सिंह नशे का आदि था और नशा खरीदने को लेकर उसका एंथनी और उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था और लड़ाई के कारण राजदीप ने उक्त दंपत्ति को पैसे भी वापस नहीं किए थे, जिसके बाद एंथनी, डैनियल, रामा, मुनीश, विशाल, चंदन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने राजदीप पर हमला कर दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुनीश उर्फ मनी, डैनी, चंद्र उर्फ चंदू और विशाल गिल उर्फ आलू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। पैसा और जायदाद खूनी रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं, ऐसा ही एक मामला जीरा के गांव मुंडी छुरी मारा से सामने आया है, जहां जायदाद के बंटवारे को लेकर एक बुआ और फूफा पर अपने ही भतीजे पर हमला करवाने के आरोप लगे हैं। सिविल अस्पताल जीरा में उपचाराधीन नौजवान सोना सिंह ने बताया कि उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और गत दिनों जब उसका पूरा परिवार एक विवाह समागम में गया हुआ था तो उसकी बुआ द्वारा कुछ और लोगों की मदद से उसके घर पर हमला कर दिया गया, जिसमें उसे व उसके ससुर के अलावा गांव के एक और व्यक्ति को चोटें लगी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल जीरा में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। तो वहीं इस संबंध में सिविल अस्पताल जीरा में तैनात डॉक्टर हरमन ने बताया कि उनके पास 3 व्यक्ति इलाज के लिए आए हैं, जिन्हें लड़ाई झगड़े के दौरान चोटें लगी हैं।
उनके द्वारा गंभीरों का इलाज किया जा रहा है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। तीन पेशेंट आए जी मुंडी शुरी मार तो, एक है सोना सिंह, एक शुभेग सिंह, एक हरदयाल सिंह। इन्हों के गुजिया सट्टा भी है, कुछ वैसे भी सट्टा है, असं उन्होंने एग्जामीनेशन कर रहे हैं, MLR करके बनती कार्रवाई कर दी। हाले देख रहे हैं जी, एग्जामीनेशन कर रहे हैं, वो जो भी होगी उस हिसाब न कार्रवाई कर दी जाएगी। कपूरथला सुल्तानपुर मार्ग पर एक एक्टिवा सवार युवती से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे दो नौजवानों को ये कारनामा महंगा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सड़क से गुजर रही युवती से मोबाइल फोन छीना तो उनकी इस हरकत को सामने से आ रहे निहंग सिंहों ने देख लिया और करीब 2 किलोमीटर उनका पीछा कर उन्हें काबू करने की कोशिश की। इस दौरान एक नौजवान तो वहां से भाग गया, लेकिन एक नौजवान को उन्होंने काबू कर लिया, जिस पर निहंग सिंह से बहसबाजी करने के कारण निहंग सिंहों से उनकी तकरार हुई और फिर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी नौजवान को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया। तो वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी नौजवान की भागते समय मोटरसाइकिल से गिरने से उसे चोटें आई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। करके आते थे तेज इदा बंदा ना फोन खोन दिया खोलिया इन्हें कुड़ी का मार के दंदुपुर तो लागे बिरेंद्रपुर बिरेंद्रपुर के लागे खोया वा इंडियन पंप के बाहर तो अभी जरा ना मगर लगे तो फोन खोलिया बंदा जो डिगा डुगा थाटे रे आवे लगी तो अगर सामू ना बड़क मार के लंघ गया निहंग सिंह ने मतलब जो है कुछ निहंग सिंह ने एक जरा मुंडे फड़िया लड़ाई हो रही है जो स्पॉट अभी मौके से गए हैं तो उत्थे पता लगा भी एक जी कु सी ना दो मुंडे ने फोन खोया तो निहंग सिंह ने पिछे वह पिछा करके तो वह फोन उन्होंने दवाता तो उस तो बाद इन्होंने अगे अगे दौड़े तो उन्होंने स्पीड बहुत ज़्यादा होने कारण वो उत्थे मोटरसाइकिल उन्होंने स्लिप कर गया तो जो पहले एक पिछे मुंडा बैठा सगा वो आलरेडी पहले ही उतो उतर के दौड़ गया तो एक जो मुंडा अपने फड़िया वो नाम जी जो फड़िया शालू दस रहा अपने आप में शालू बरियाह पिंड तो बाकी आप तफ्तीश चल रही है बाकी वो जो भी बयान लैके तो जी अगली कार्रवाई आप करांगे। ऑटिस्टिक बच्चों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का काम कर रही समाज सेवी संस्था सोच ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पंजाब ने होटल रिजेंट पार्क में मंगलवार को 8 शो का आयोजन किया। सोच के रंग 4.0 थीम पर आयोजित ये शो वर्ल्ड ऑटिज्म डे को समर्पित था। संस्था की प्रमुख अंजलि दादा की देखरेख में हुए इस शो में जालंधर समेत पंजाब के दूसरे शहरों के आर्टिस्टों ने स्टॉल लगाए। इस एक्सक्लूसिव आर्ट शो में स्टॉल्स पर आर्टिस्टिक और कॉमन बच्चों ने अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले किया। शो में बड़ी संख्या में कला के कद्रदान भी शरीक हुए, जिन्होंने न केवल बच्चों के हुनर की तारीफ की वहीं उनकी ओर से तैयार की गई कलाकृतियां खरीदी भी। तो वहीं बच्चों ने एकत्रित राशि को सोच संस्था को डोनेट भी किया। जो सब लोगों ने आज एंथुसिएज्म दिखाया है एंड जिस डेडिकेशन से आर्टिस्ट ने अपना काम यहाँ पे डिस्प्ले किया है देख के बहुत अच्छा लगा है एंड वी लुक फॉरवर्ड हर साल जब अंजलि जी ये एग्जीबिशन कराती है वी वेट फॉर दिस एग्जीबिशन क्योंकि बहुत ही उम्दा आर्ट पीसेस हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। संस्था की प्रमुख अंजलि दादा ने बताया कि 8 शो में कुल 33 स्टॉल लगाए गए थे जिसमें जालंधर चंडीगढ़ लुधियाना अमृतसर और कोटकपुरा के ऑटिस्टिक और कॉमन बच्चों ने उनकी ओर से तैयार किए गए पोर्ट्रेट्स कैनवस कैंडल ग्रीटिंग्स होम डेकोर की आइटम्स और केक आदि डिस्प्ले किया। शो के पार्टिसिपेंट्स को संस्था की ओर से सर्टिफिकेट भी भेंट किए गए। Hi, myself Khushi Saini. I'm from DreamWorks EduTech.
लाइक मैं पिछले 4-5 ईयर्स से शिवम के साथ हूँ, है ना। अभी तक काफ़ी अच्छा इसने किया है, अभी भी कर रहा है, लाइक इस एज में इतना अच्छा वर्क किया है आप देख सकते हो। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपोजर है और ऐसे ही बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए आगे आगे कि इनको इनकरेजमेंट होए, नॉलेज होए आर्ट के रिगार्डिंग, और ऐसे ही हम आर्ट को और स्प्रेड करें। थैंक यू। इस मौके पर दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज, नेहा विज, रुचि विज, निधि सरदाना, एचआर फॉर्जिंग से राधिका शर्मा, उद्योगपति नरेश शर्मा, तनिका चन्नी, शिल्पा चावला, कावेरी कलसी, मोनल कलसी, सीरत हैनरी, व्योमा भोगल, किरण संघेड़ा, अंबिका राइडर, रसलीन सेहरा, विकास महाजन, श्रुति बेरी, दिव्या महाजन और कुंज अरोड़ा भी मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि इस शो को सफल बनाने में अमायरा सरदाना, सहज संघेड़ा, वीर करण, गीतल चोपड़ा, गौरीश चोपड़ा, सना, मेहर सहगल, सुव्रत महाजन और अदा आदि वॉलंटियर्स का अहम योगदान रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। हमारी संस्था सोच ऑटिज्म सोसाइटी ने एक आर्ट शो रखा है सेलिब्रेट करने के लिए। सोच की टैगलाइन है, सोच है तो क्षमता है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड हैं, सिर्फ स्पेशल नीड्स और न्यूरोडाइवर्स नहीं, जो टिपिकल आर्टिस्ट भी हैं, सब इतनी वंडरफुल आर्ट लेके यहाँ पे आए हैं। और हमारी एक ही विषय कि आर्टिस्ट अपनी कंडीशन से नहीं, अपनी कला से जाना जाए। एंड ये आज वही दिन है जब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये आर्ट शो लेके यहाँ दोबारा दोबारा और दोबारा आएंगे। बिजली विभाग जीरा में तैनात जेई सरवन सिंह सेवा मुक्त हो गए हैं। उनकी सेवा मुक्ति पर जीरा के फिरोजपुर रोड पर स्थित एक निजी पैलेस में उन्हें विदाईगी पार्टी दी गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके साथियों ने बताया कि सरवन सिंह द्वारा अपनी ड्यूटी बड़ी ही तनदेही और ईमानदारी के साथ निभाई गई है और उन्होंने बेदाग सेवाएं विभाग को दी हैं, जिसके लिए हमेशा ही उन्हें जाना जाएगा। इस दौरान कर्मचारी जत्थेबंदी और साथियों की ओर से सरवन सिंह व उनकी पत्नी के गले में फूल मालाएं डालकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मैं सरवन सिंह देवी, 27 साल के बेदाग, आज 23 कभी रिटायर हुए हैं, बेदाग सर्विस की किया, मेरे साथियों ने मेरा पूरा साथ दिया, मैं मान महसूस कर। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शुभ यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने स्मार्ट होम वेलफेयर सोसाइटी जालंधर हाइट्स की प्रधान सीमा गल्होत्रा, शशि सरीन मंजिला, सोनिया, शशि बत्रा, सीमा शूर, उषा, कविता, रेनू, रोशी, पिंकी, सत्या, पम्मी, पोली और गुरदीप, श्री गीता भवन मंदिर फुलड़ीवाल जालंधर के पंडित योगेश्वर आशर, शास्त्री रमा देवी वर्मा, पूजा, राजीव जयरथ, गुरुबचन कौर, जसवंत कौर, तुलसी पराशर और सीमा गल्होत्रा, श्री शिव मंदिर जालंधर हाइट्स के पंडित राजेश शर्मा, नरेंद्र वशिष्ठ, करण शर्मा, शशि जिंदल, ज्योति जिंदल, सुभाष अग्रवाल, आकाश कपूर, पुनीत रत्ती, गोविंद नारायण, नितिन गोयल, नवनीत कालिया, दिनेश सिंह और रोहित शर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता
राजविंदर कौर थियाड़ा श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर के सीएल कोछड़ आचार्य लोकेंद्र नोटियाल आचार्य अजय दुबे रूप नारायण शास्त्री लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वरी वीना शर्मा निशा शर्मा कमलेश रंधावा श्यामलता शर्मा बीना अरोड़ा विजय शर्मा वीना सहगल सुनीता खत्री प्रवीण शर्मा कांता बुआ साक्षी ज्योति भंडारी भावना और सुरेंद्र कौर से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। इतने सारे इनवाइट कर आए ने इन्हों का भी सारे रामनवमी की बधाई भी और सारे इतों हम हमा के शोभा यात्रा आवेंगे और माँ मई का आशीर्वाद लवेंगे। सारे शहर के बहुत ही रौनक बहुत ही उत्साह है श्री रामनवमी लैके जय श्री राम। देवी तालाब तो रामनवमी की शोभा यात्रा जी निकल वाली है सारे ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन और श्री राम जी का आशीर्वाद लैन। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा रामनवमी तैयारियां हो रही ने उस तैयारी के असी सब शामिल होवांगे और श्री राम जी का आशीर्वाद लैन वास्ते सारिया संगत रल मिल के हुम हुमा के आवांगे और सारे नगरवासी भी जो है वह राम जी का आशीर्वाद लैन वास्ते जरूर पहुँचन और रौनक लगा। अभी कुछ दिनों में महामाई के नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और हमारे अपने जलंधर में देवी तला मंदिर में हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा निकलती है और रामनवमी को वहाँ बड़े अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम होता है। आज फोलिडीवाल गीता भवन मंदिर में वहाँ से संगत निमंत्रण पत्र लेकर के आई और यहाँ फोलिडीवाल की कमेटी मेंबर्सों ने सभी ने मिल करके उनका स्वागत किया और हम सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे जो एरिया में जितने भी मंदिर या जो भक्तगण हैं सभी यहाँ से बढ़ चढ़ करके जा करके हिस्सा लें और भगवान की कृपा से महामाई की उस भव्यमयी यात्रा में अपना अपना योगदान दें। मैं सभी से विनती करता हूँ पंडित योगेश पाराशर शास्त्री मेरी सभी संगत जरूर पहुँचने की कृपा करें। जय माता। 16 अप्रैल 2024 को निकलने जा रही भव्य श्री राम जी की शोभा यात्रा जो देवी तालाब मंदिर से होकर के शहर के मुख्य मार्गों से निकलती हुई आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, भगवान श्री राम के इस पावन जन्मोत्सव के पर्व पर जहां पर इस वर्ष और बड़े उत्साह से यह दिवस मनाया जाएगा अयोध्या में भगवान श्री राम जी अपने भव्य जन्म स्थान में विराजमान हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम के साथ बड़े आनंद के साथ भगवान के सभी भक्तगण इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होवे। शिव शक्ति मंदिर जलंधर हाइट्स वन से मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 16 अप्रैल दिन मंगलवार नू देवी तालाब मंदिर वालों जो शोभा यात्रा भगवान राम जी दे शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है अज मैनु इनविटेशन साढ़े शीतल बिर जी वालों जड़ा आया मैं सारिया नू बेनती करती हाँ कि सारे इस शोभा यात्रा दे विच हुम हुमा के पहुँचो असी सारे ही भगवान राम जी दे आशीर्वाद लईए ते उत्थे जाके अपनी हाजरी भरीए। सो सारिया नू अपील करती हाँ मैं कि तुसी सारे 16 अप्रैल नू वध चढ़ के देवी तालाब मंदिर इस शोभा यात्रा दे विच हाजरी लवाओ ते भगवान राम जी दा आशीर्वाद लो। जय श्री राम। जय श्री अज साडे श्री कृष्ण मुरारी मंदिर दे विच श्री देवी तालाब तो संपर्क अभियान टीम जिहड़ी सारिया नू निमंत्रण देन आए ने कि 16 तरीक दिन मंगलवार 16 तरीक दिन मंगलवार जिहड़ी रामनवमी के उपलक्ष्य के विच शोभा यात्रा निकाली जाएगी सारे भारतवासियों नू सारे जलंधर वासियों नू हाथ जोड़ के बेनती है कि वध चढ़ के हुम हुमा के 2 बजे श्री देवी तालाब विच पहुँच के श्री देवी तालाब मंदिर दे विच पहुँच के और श्री राम जी की शोभा यात्रा दे नाल शामिल होना श्री राम जी तो आशीर्वाद प्राप्त करना और साडे कृष्ण मुरारी मंदिर तो प्रबंधक कमेटी इस्त्री सत्संग सभा हमेशा की तरह जिस तरह अगे भी हुम हुमा के जाते सी इस तरह जाएंगे
क्योंकि साढ़े मंदिर के विचों एक बैंड बाजा और दो ट्राले जड़ा एक सबरूप होएगा श्री राम जी का और दो दो सबरूप होंगे दो ट्रालियाँ झांकियाँ जड़ियाँ सबरूप और एक जड़ा साड़ी ट्राली हमेशा पैना दी होंगी राम जी का गुणगान करते हुए सारिया पैना जानगियाँ। नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि 16 तारीख को दिन मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी श्री राम जी की देवी तालाब से और कृष्ण मुरारी मंदिर से, जिसमें सभी संगत अधिक से अधिक संख्या में आए और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण। श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रोहन भल्ला के भतीजे हेमंत भल्ला का गत दिवस स्वर्गवास हो गया था, जिनकी आत्मिक शांति के लिए रखा गया रसम उठाला व श्रद्धांजलि सभा खन्ना बगीची नजदीक सोडल फाटक में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने स्वर्गीय हेमंत भल्ला की आत्मिक शांति के लिए पाठ पढ़कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर के महंत हरिराम दास जी महाराज, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, राजू शर्मा, अरुण वर्मा, रिंकू अग्रवाल, अर्जुन मल्होत्रा, अनिल कपूर, रमन लूथर, सतप्रकाश, बबलू खन्ना, प्रकाश शर्मा, मोहित कोहली, स्वर्गीय हेमंत भल्ला के पिता सुरेश भल्ला, रोहन भल्ला, कुलभूषण भल्ला, भीमसेन भल्ला, हिमांशु भल्ला, कियांश भल्ला, प्रेरक भल्ला, कुशल भल्ला, सिमी भल्ला, प्रिया भल्ला, सपना भल्ला, सुषमा भल्ला, सिल्की, रिया, सुभाष कौड़ा, कमलेश कौड़ा, दिनेश कौड़ा, पूजा कौड़ा, अनिल नंदा, चंद्र प्रभा सहित शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुँचकर स्वर्गीय हेमंत भल्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। अज आप बड़े ही दुखी हिरदे दे नाल मेरे तो बच्चियां समान हेमंत उन्हां दी आखरी शोक सभा दे विच इकट्ठे होए हैं। बाणी विच लिखिया किसनों कीजिए दोस्ती ए जग सल सब चंदन हार। एक ना एक दिन जिस जीव जंतु ने इस धरती दे उत्ते जन्म लिता परमात्मा दे चरणा दे विच जाना है, लेकिन इन्ना खूबसूरत स्नेह प्यार मिलनसार बच्चा इन्नी जल्दी खास करके अपने परिवार को तो समाज को छड़ के चले जाएगा, ये किसी के भी मन चेते नहीं। फुल्लां वांग पालिया होया दोए बच्चे ते जदों ये भल्ला साहब ने दसिया ते किसी नूं भी समाज के विच परिवार के विच ये समझ नहीं सी कि इन्नी जल्दी ये बच्चा परमात्मा के चरणा चल जाएगा। किसी को भी ये शब्द नहीं है कि इस परिवार का खास करके उन्होंने पिता जी का माता जी का दुख असी घटा सकीए। सिर्फ परमात्मा के चरणा के अरदास करते हैं कि ये जी दिवंगत आत्मा है इनू अपने चरणा के वास बख्शो, तो पिछे परिवार सके संबंधी सारे समाज में ये दुख सहन का बल बख्शो। ओम शांति। समाज सेवी संस्था दिशा दीप के द्वारा लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में वोट जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मकसूदा कैंपस में जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुरजीत लाल सहोता, दिशा दीप के संस्था प्रधान लॉयन एसएम सिंह और कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर योगेश छाबड़ा ने सेमिनार को संबोधित किया। डॉक्टर सुरजीत लाल सहोता और लॉयन एसएम सिंह ने भारत के चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में अवगत करवाया और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए और खास तौर पर विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है और अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में रह रहा है तो वह अपने वोट का क्षेत्र कैसे बदल सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी जानकारियां चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएंगी। डॉक्टर योगेश छाबड़ा के कैंपस डायरेक्टर जिला प्रशासन और टीम दिशा दीप ने इस जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद किया और नई युवा मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही उपयोग करने के लिए प्रेरणा दी। इस मौके पर हरजोत शर्मा, भावलीन सिंह, प्रिंस निंजा के साथ
छात्रों ने शपथ ली कि वो अपने वोटिंग अधिकार का उचित प्रयोग करेंगी। सेमिनार का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। स्वीप प्रोग्राम तहत वक् वक् कॉलेजेस दे विच स्कूलों दे विच जाके और वक् वक् गली महल्लियां दे विच जाके वोटर जागरूकता मुहिम जिहड़ी आ उह शुरू कीती जा चुकी आ, जिस दे तहत असीं लोकां नूं वध तों वध जिहड़ियां वोटां बणाउण दे लई प्रेरित कर रहे हां ते नाल ही एथिकल वोटिंग जिहड़ी आ उहदे लई मोटीवेट कर रहे हां। अज इस लड़ी तहत सिटी मकसूदा विखे जिहड़ा प्रोग्राम कीता गया, जिस दे विच नौजवान लड़के लड़कियां नूं जिहड़ा आ वोट बणाउण लई प्रेरित कीता गया ते नाल ही जिहड़ा आ वोट एथिकल दे लई जिहड़ा आ प्रेरित कीता गया। मैं डॉक्टर योगेश साहब दा डायरैक्टर सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मकसूदा कैंपस धन्यवाद करता हाँ जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और दिशा दी फाउंडेशन का, जिन्हां नाल मिल के असीं अज एक सैशन लगाया है वोटिंग अवेयरनैस उपर और जिंदे विच बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इस सैशन दे विच बच्चों को जानकारी दी गई कि किस तरीके नाल अपनी नवी वोट बना सकते हैं और जो वोट अगर कोई उस गलती है तो उस शोध किदा कर सकते हैं। मकसूदा कैंपस दे विच जिथे जिला प्रशासन जलंधर के सहयोग नाल एक वोटर अवेयरनैस सैमीनार का आयोजन किया गया, जिसका मकसद सी जलंधर करेगा वोट। ये डॉक्टर सुरजीत राम सोहता जी ने बच्चों जानकारी दी है, यंग वोटर जिड़े कि हिंदुस्तान के तकरीबन 1.5 करोड़ तो उपर अपनी वोट का पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने और बाकी डॉक्टर योगेश चावड़ा जी ने और सुरजीत लाल जी ने और मेरे वालों बच्चों अपील की गई हैगी है कि वो अपने वोट के हक का सही इस्तेमाल कर। दुनिया का सब तो व्डा जो गणतंत्र है जिसन भारत दुनिया का सब तो व्डा गणतंत्र है, ये जोड़े लोग सभा चुने प्रतिनिधि भेजे जाने हैं अपनी वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार जोड़े ने वो भेजे जा। श्री सनातन धर्म राम मंदिर जालंधर कैंट की ओर से साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र कुमार रविकांत मीनाक्षी शर्मा ने बालाजी के भजन गाकर समा बांध दिया। भजन संध्या के अंत में बालाजी की आरती की गई और बाद में मंदिर कमेटी की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर प्रबंधक समिति के चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, अध्यक्ष कमल चौहान ने आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रितिका, हेजल, आकांक्षा, गीतांजलि, अनन्या, प्रोमिला रानी, ममता, किरण, शमा, गीतू, उमा, लक्ष्य, प्रिया सहित असंख्य भक्तजन शामिल रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम, जय श्री राम। जो कि अज मेहंदीपुर बाला जी की हनुमान जी की सारिया ने गुणगान किया है और कीर्तन करके सारिया ने अपने अपना जो कि आशीर्वाद लिया, असी अपने वालों अपने रामा मंदिर वालों सारे इतने आते लख लख बधाई देने हैं। बाला जी का संकीर्तन जो कि 5वां संकीर्तन है, जो 3 मार्च से शुरू हुआ था बाला जी की कृपा से, आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बड़े उल्लास के साथ हनुमान जी का संकीर्तन किया और सबको मंत्रमुग्ध किया। कहा जाता है तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना, कि महाराज आपका मंत्र सबको भाए और सबको आप राजा के समान करे। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में बालाजी मेहंदीपुर बालाजी 5वां कीर्तन किया जा रहा है। आज 5वां कीर्तन है जो कि 3 तारीख को मूर्ति स्थापना हुई थी, ऐसे ही चलते रहेंगे कीर्तन और संगत आती रहेगी, महाराज जी आशीर्वाद देते रहेंगे, आशीर्वाद हम लेते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री भरत। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को पता है कि श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में बालाजी की चौकी करते हैं, तो सब भक्त
भजन कीर्तन बालाजी को मोहक भजन सुनाकर भजन कीर्तन करते हैं और भजन कीर्तन के उपरांत श्री प्रबंधक कमेटी एक छोटा सा भंडारा भी करती है और बालाजी की ऐसी कृपा रही तो ये दिन रात भंडारे यहाँ चलते रहे। बालाजी का कीर्तन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे किया जाता है, सभी भक्त आते हैं और गुणगान करते हैं, सभी अपनी अपनी इच्छाएं यहाँ रखते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री मेहंदीपुर महाराज की। अतुलित बुद्धाम हेम सलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम धीतम रघुपतिय भक्तम वाच जातम नमामि। बालाजी महाराज के चरणों में हमारा साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने धारा 174 के तहत की कार्रवाई। फिरोजपुर पुलिस ने दो शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 1530 पेटी शराब की बरामद। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा की पुलिस ने गश्त के दौरान तीन संदिग्ध नौजवानों को किया काबू, चाबियों का गुच्छा प्लास और अन्य सामान किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।